हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए मिनी क्विज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, यहाँ पर टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका 15 मैथ, 15 रीजनिंग और बाकी के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपका जीके के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें अब आपका जो भी क्विज के क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहे तो ग्रुप डी की बात करो, या फिर आप एएलपी की बात करो, या फिर आप प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी को लेके रेडी हो जाइए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पास आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और पहले एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मैं ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को आपको कितना समय देना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आप उतने ही समय में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और फिर आपका 50 क्वेश्चन में देखना कि आपके कितने सही हुए, आप लोग तब जाके मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में से एक है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 210 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल से आपका पहला क्वेश्चन पूछा है क्या ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। आपका आंसर आ रहा है 3, अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि सिंपल से हम लोगों को पता है कि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर है। अब आपको दिख रहा है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा क्या होता है उसका जस्ट उल्टा कॉस बाई साइन, तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पास मेरे पास बचेगा क्या 2 बचेगा माइनस कॉट एक स्क्वायर थीटा मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो ये क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, तो यहाँ पास बचा क्या 1 और 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका एक डीआई से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखे, तो आप लोग प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेना, आपको फिगर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डीआई में क्या पूछा गया। पूछा गया कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, कुल छात्रों की संख्या 8000 है। तो सिंपल सा आपका यहाँ पास पाई चार्ट आपको डीआई दिख रहा है, यहाँ पास बोला है कुल छात्रों की संख्या 8000 है, एक विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं के छात्रों को प्रतिशत बंटन है, ठीक है। तो जैसे कि दिख रहा होगा आपको प्रबंधन में 24%, अभियांत्रिकी में 31% और कला में आपको 45% है, क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कला तथा प्रबंधन पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के बीच का कितना अंतर है। तो किसका अंतर पूछा है, कला का और प्रबंधन पढ़ाने वालों विद्यार्थियों के बीच का अंतर पूछा है। तो देख सकते हो प्रबंधन का कितना है 24% और कला का कितना है 45%, तो अंतर आपको कितना दिख रहा है परसेंट का, तो 21% का आपको अंतर दिख रहा है। तो बस आपको 21% का वैल्यू पूछा है। अब टोटल मेरा कितने थे 8000, तो 8000 का 21% कितना हो जाएगा, तो 00 कैंसिल हो गया, 10 बच गया, तो 21 × 8 कितना हो जाएगा 168, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1680, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का 27 छोटे गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़े गोले का त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी गोला को या फिर कोई भी चीज़ को अगर आप गला के, ठीक है, मतलब आपको फिर से उसको गला के मेल्ट करके दोबारा कोई चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर छोटे गोले को पिघला कर, छोटे छोटे गोले को पिघला कर आपका बड़े गोले में परिवर्तित किया जाता है, मतलब उसको मतलब फिर से आपको इसको रीमेल्ट करके उसको दोबारा इसको बनाया जाता है। तो उस समय होता क्या है, तो उस समय होता क्या है कि जो छोटे गोले का जितना आपका पूरा वॉल्यूम रहता है और बाद में जो आपका बनता है उसका भी जो वॉल्यूम होता है वो दोनों एक बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये चीज आपको समझने का चीज है, ठीक है। तो यहां पास भी देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले का त्रिज्या क्या होगा। तो अब आपको मैंने बता दिया कि छोटे गोले को अगर आप पिघलाकर बड़ा गोला बनाओगे तो उसका वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले अब आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, गोले का वॉल्यूम मतलब स्पीयर का वॉल्यूम, क्योंकि स्पीयर को मेल्ट करके बड़ा सा एक स्पीयर बना रहा, तो यहां पास आपका स्पीयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं, तो ये क्या होता है आपका 4/3 πr³ होता है, ये होता है हम लोग जानते हैं। अब देखो छोटे का वॉल्यूम क्या होगा, वही होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/3 π, ये आपका r³ हो गया इक्वल टू 4/3 π। अब देखो छोटा छोटा गोले के लिए मैंने छोटा r लिया था, तो बड़ा गोले का आपका r क्या होगा, तो कैपिटल ले लेता हूं,
ये आपका आर क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पास आपका क्या था, 27 तो छोटे गोले को पिघलाया जा रहा है, मतलब ये छोटे गोले का वॉल्यूम तो हो गया, मगर यहाँ पर जितने छोटे गोले को पिघला कर करोगे उतना का ना आपका वॉल्यूम बराबर होगा, तो मतलब यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा जितने भी आपके छोटे गोले रहेंगे। तो बस ये दोनों को इक्वल करके बस आंसर बता दो क्या होगा। अब यहाँ पास इसको मैं हटा देता हूँ, अब आप देख सकते हो सिंपल से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पास देखो 4/3 कट गया, पाई पाई का वैल्यू भी कट गया। अब यहाँ पास आपका एन का जगह में कितना है, 27। यहाँ पास क्या है, आर क्यूब। आर क्यूब मतलब क्या, 2 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब आपका 2 का पावर में 3 हो जाएगा, 8 यही ना होगा। अरे ये आर थ्री क्या हो जाएगा, ये वाला आर थ्री। तो अब बताओ आपसे क्या पूछा था, बड़े गोले का त्रिज्या यानी इसी आर का वैल्यू पूछा था। तो देखो 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब, और ये आपका 2 का क्यूब ऑलरेडी है, तो यहाँ पास आर क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी अच्छा से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, तो यहाँ पास आपसे क्या बोला है, 45 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण डैश है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या बोला, तो यहाँ पास ये 45 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पास बहुत सारे लोग कन्फ्यूज खा जाते हैं, उनको क्या लगता है कि ये 45.45 ठीक है, 45 डिग्री है, ठीक है, 45.45 डिग्री समझते हैं, मगर ये 45.45 डिग्री नहीं है, ये 45 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पूरक कोण के बारे पता होना चाहिए, ठीक है। जो लोग अगर हिंदी में नहीं समझ रहे, तो पूरक कोण मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, मतलब पूरक कोण होता क्या है, तो कोई भी दो एंगल का सम मेरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। असम पूरक कोण क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कोई भी दो कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपसे क्या पूछ लिया गया, देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या डाल दिया कि 45 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण पूछा है। अगर आपको सिंपल सा 50 डिग्री दे देता, 50 डिग्री का आपसे पूरक कोण पूछता, तो आप क्या बोलते, पक्का इसका जो दूसरा पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि 50 और 40 मिला के मेरे 90 बन गए। बन गए कि नहीं बन गए, मगर यहां पर आपसे क्या पूछा, 45 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण बताओ। तो यहां पर आप कैसे करोगे, तो यहां पर आपको कन्वर्सन पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अब तक मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं कराया, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो यहां पास देखो, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो यहां पास मैं छोटा सा कन्वर्सन लिख देता हूं, आपका 1 डिग्री कितने का बराबर होता है, तो 60 मिनट के बराबर होता है। ये चीज आप लोग समझ लो, और 1 मिनट तो आप लोग जानते ही हो, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ये चीज को सिर्फ समझने का चीज है, क्लियर है। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहां पर देखो 45 डिग्री से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर 45 मिनट को क्या करोगे, 45 मिनट को आपको पहले डिग्री में लेके जाना होगा, तब जाके 90 डिग्री में घटा दो, वही आपका पूरक कोण हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, तो यहां पर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो मतलब मेरा 1 मिनट किसके बराबर होगा, तो 1/60 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बस हम लोग 45 मिनट को क्या करेंगे, 45 मिनट को आप लोग क्या कीजिएगा, पहले डिग्री में चेंज कर लीजिएगा, फिर अपना 90 में घटा के अपना काम कर लीजिएगा। तो यहां पास अब आपका देख सकते हो 45 का 45 डिग्री है। अब क्या पास क्या है, 45 मिनट है, तो 45 मिनट है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये 45 मिनट है तो आपका क्या हो जाएगा, डिग्री में 1/60 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 15 का पहाड़ा में 3 बार में, 15 का पहाड़ा 4 बार में, यानी अब आपका कितना आ गया, 3/4। ध्यान से देखो 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब आपका ये कितना डिग्री था, 45.75 डिग्री था एक्चुअल में क्वेश्चन। ये चीज आपको समझना था। तो बस अब आपको पता चल गया कि 45.75 डिग्री का पूरक कोण पूछा है, तो क्या करोगे, 90 से घटा दोगे, तो 90 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 44 हो जाएगा, और ये आपका 0.75 है, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी ये क्या निकल के आ गया, 44.25 डिग्री आया, ठीक है। ध्यान से देखो 44.25 डिग्री। अब ऑप्शन देखोगे तो आप लोग बहुत जल्दी हड़बड़ी में इसको टिक मार दोगे। तो ध्यान से देखो, ये 44 डिग्री 45 मिनट है, ये मेरा क्या आया था, 44.25 डिग्री आया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पास, यानी जो भी ऑप्शन दिया हुआ सब मिनट में दिया हुआ है, तो आपको भी क्या करना है, मिनट में जल्दी से चेंज कर दो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ आप जब समझ जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। तो यानी मेरा कितना आया था, 44.25 डिग्री आया था। अब आपको उल्टा कर लो, डिग्री को मिनट में ले जाओ, तो आपको पता है 44 हो गया, अब 25 को क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 1/4 लिख लोगे, तो यहां पास आपका क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना है,
मिनट में ले जाना है, तो यानी गुना कर लो 60 से, तो ये क्या बन गया 15, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 डिग्री और ये आपका क्या जाएगा 15 मिनट। मिनट का साइन ऐसे होता है, ध्यान से देखना, मिनट का साइन ऐसे होता है, और कभी कभी क्वेश्चन में सेकंड भी रहता है, तो उसी तरीका से करना है आपको, ठीक है। सेकंड का साइन आपको कुछ इस तरीका से दिखेगा, अगर ये 15 है, 15 सेकंड रहा, तो ऊपर में डबल डैश दिखेगा आपको, सिंगल डैश मतलब मिनट होता है और डबल डैश मतलब सेकंड होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 44 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर सबका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इजीली बना सकते हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, 1 लाख के बिल में 40% की छूट और 2 क्रमिक 36% एवं 4% की छूट के बीच का अंतर क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको, 1 लाख का कोई बिल है जहाँ पास आपका अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। एक जगह 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक जगह जो है वो 36% और 4% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। 36% और 4% का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाएगा तो आप बताओ कि पहले कितना परसेंट आपका डिस्काउंट होगा ओवरऑल। तो हम लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जब भी अगर आपको 2 क्रमिक अगर छूट मिलती है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट मिलती है, तो आप लोग सिंपल सा a+b - a(b/100%) में आप निकाल सकते हो कि ओवरऑल आपको डिस्काउंट कितना मिला था। तो यहाँ पर देखते हो तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी a+b 40 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 × 4, यानी कितना हो जाएगा 36 × 4 144 हो जाएगा। अब 144 / 100 यानी 1.44 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या बोला था, इसी का तो आपको बोला था बीच का अंतर बताओ कितना छूट का बीच का अंतर होगा। तो यहाँ देख सकते हो 40% है और यहाँ क्या है 40 - 1.44% का वैल्यू। तो आप देख सकते हो 40% कैंसिल हो गया, मतलब जो अंतर का डिफरेंस है वो कितना होगा 0.14 का होगा, मतलब 1.44 का होगा। तो बस आप निकाल दो 1 लाख का 1.44%, तो सिंपल सा आपको देख के पता चल रहा होगा 1.44% का कितना हो जाएगा 1 लाख का। तो यहाँ पर आपका पॉइंट से 0-0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बस आल एक्स्ट्रा में लग जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1440 रुपये, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुना होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का दर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली बना सकते हो, वरना बेसिक से बनाओगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले को नोट कर लेना, मैंने आपको इस टाइप का साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया है, मगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का भी बता देता हूँ। तो यहाँ पास मेरा रेट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी बोलेगा 4 गुना 5 गुना 6 गुना जितना भी गुना, ठीक है, एन हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स और ये आपका ब्रैकेट में 1/t, क्लियर है, -1 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ये आपका हो जाएगा 100, क्लियर है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, अब जैसा भी क्वेश्चन इस टाइप का दिखे, जितना भी गुना बोले इतना साल में हो जाए, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में आपको पुट कर दे रहा है। और साधारण ब्याज में अगर इस तरीके का क्वेश्चन बने, तो आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो वहां पर क्या बताया था, रेट इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम जितना भी बोले जितना गुना हो जाए, और ये आपका क्या होता है 100, और डिवाइडेड में पूरा क्या आ जाता है, ये आपका टाइम आ जाता है। अगर रेट पूछे तो आप रेट निकालो, टाइम पूछे तो टी को वहां ले जाओ, आर को यहां ले जाओ, क्लियर है। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है, ये आपका SI का हो जाएगा, ये आपका CI का हो जाएगा, क्लियर है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, SI वाला को आप लोग बस याद कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो सिंपल सा, अब देखो कितना ईजी हो गया क्वेश्चन, बस फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा, पुट भी करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब पता रहेगा तो ये सब आराम से आपका माइंड में ही हो जाएगा। तो यहाँ रेट आपसे पूछा, एन कितना टाइम्स पूछा, 9 गुना, तो ये 9 गुना हो जाएगा, और समय कितना दिया 2 साल के लिए, मतलब 1/2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3^2, तो 3^2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2, यानी क्या बच गया 3, 3 से एक जाएगा क्या हो जाएगा 2, तो 2 × 100 कितना हो जाएगा 200%। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ ज़्यादा समय लगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आकाश भरत चरण दिनेश महेश और नरेश के 6, 16, 21, 10, 12 और के ऑनलाइन मित्र हैं, यदि उनके 7 मित्रों की संख्या का मध्य 14 है तो के का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका के का वैल्यू पूछा है और सभी का आपको मध्य बता दिया गया, तो क्या करोगे 6 + 16 + 21
प्लस 10 प्लस 12 प्लस के, ठीक है। अब कितने आपके इसके फ्रेंड थे, तो देख सकते हो तीन तीन छह, टोटल छह का आपको क्या बोल दिया, मध्य कितना है 14 है। तो बस अब के का वैल्यू नहीं निकाल लोगे तो आपका 14 गुना 6 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 16 6 22, अब 22 और यहाँ पास आपका 21 कितना हो जाएगा, 22 और 21 43, 10 53, 53 और यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा, 55, 10 65 हो गया। तो यानी क्या हो गया, 65 प्लस के, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 65 आपका वहां चला जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू आपका आ गया 19, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी जल्दी, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, और ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, एकदम आराम से क्वेश्चन आया, ठीक है, समझने का बस देरी है। क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस इज, ठीक है, एक समचतुर्भुज की घूर्णी समान रूपांतर का क्रम है। तो आपको पूछा है कि समचतुर्भुज का घूर्णी समान रूपांतर का क्रम बताओ, मतलब कितने ठो आपका होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल सिमेट्री मतलब होता क्या है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा है, बस आपको समझने की देरी है, ठीक है। तो यहां पर पहले आप लोग समझ लो कि आपका रोटेशनल सिमेट्री मतलब घूर्णी समान रूपांतर का मतलब होता क्या है। तो यहां पर मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूं, कोई भी फिगर, ठीक है, कोई भी अगर आपका फिगर को आप जितने भी एंगल में उसको रोटेट करते हो, मतलब कोई भी फिगर को आपको अगर उसको घुमाते हो, तो जितने भी एंगल में घुमाओ, 90 डिग्री में घुमाओ, 80 डिग्री में घुमाओ, जितना भी घुमाओ, मगर टोटल आप 360 डिग्री तक ही ना घुमा पाओगे। तो जितने बार में उसको आप घुमाओ, अगर जितने मान लो सपोज दैट, अगर जितने बार में अगर उसको घुमाते हो, अगर उसका फिगर का जो आपका मतलब जो फिगर का आकृति जो रहेगा, वो फिगर अगर आपका पहले जैसा अगर दिखता है, तो वो उसका उतना ही रोटेशनल सिमेट्री आपका पोजिशन बनेगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर अब मैं समझाता हूँ, चलो मैं इसको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, सब देखो ओरिजिनल कोई शेप है, क्या है आपका, एक आयत है, यानी कोई रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल को मैंने क्या बताया कि अगर आप उसको जितना भी घुमाओ, ठीक है, तो इसको 90 डिग्री जब हम लोग घुमाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो अब देखो ये फिगर इसके जैसा दिख रहा है क्या, ओरिजिनल शेप का जैसा तो नहीं दिख रहा, तो मतलब ये इसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो रहा। अब देखो 180 डिग्री जब मैंने घुमाया, तो आप देख सकते हो सेम फिगर दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा। अब 270 डिग्री पे देख सकते हो फिर से नहीं घूमेगा, उसके जैसा नहीं दिख रहा। अब 360 में फिर जब आपका एक जब 360 मैंने घुमाया, तो फिर से आपका उसी का जैसा दिख रहा है। तो यानी अब आपका बोल सकते हैं इस वाले फिगर का कितना रोटेशनल सिमेट्री हो गया, मतलब कितना ऑर्डर हो गया। तो देख सकते हो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ टू, मतलब दो इसका हो गया। अब उसी तरीका से यहाँ पास भी फिगर में देख सकते हो, ये कोई ओरिजिनल फिगर है, यहाँ पास 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, 270 डिग्री में, लास्ट में 360 डिग्री में आपका सेम टू सेम बना है। तो ध्यान रखिएगा ओरिजिनल शेप आपको चाहिए, ओरिजिनल सेम अगर जितना भी आप रोटेट करते हो, जब तक आपका ओरिजिनल शेप जैसा नहीं दिखेगा, तो मतलब वो आपका नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पास क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रोम्बस, तो आपसे सम चतुर्भुज का पूछा था। तो सम चतुर्भुज का हम लोग फिगर जानते हैं इस तरीका से होता है। अब आप ही सोचो आप इसको किस तरीका से घुमा सकते हो, तो 90 डिग्री, 180, 270, 360, तो एक बार जब आप घुमाओगे तो कुछ इस तरीका से आपको दिखेगा, दिखेगा ना। तो ये एक टाइप में जब आप घुमाओगे 90 डिग्री में तो नहीं दिखेगा, इसका 90 डिग्री में ये नहीं दिखेगा। तो ये अब जब आप 180 डिग्री में घुमाओगे, तब आपका कैसे होगा, सेम टू सेम इसी तरीके का दिखेगा ना, 180 डिग्री में, 180 डिग्री में एक बार दिखेगा, और एक बार जब आपका 360 होगा तो पूरा सेम टू सेम इस तरीके से दिखेगा। यानी बताओ इसका कितना हुआ समरूपांतर, तो दो हुआ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। क्लियर है। अगर आपसे वर्ग पूछ लेता, स्क्वायर पूछ लेता, तो इसका क्या होगा, अब आप लोगों को पता चल गया इसका क्या होगा, सिंपल सा आंख बंद करके क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये आप 90 डिग्री में जब भी घुमाओगे सेम टाइप का दिखेगा। तो बस इसका आंसर होगा फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर टू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, जल्दी से इसको बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पास आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख के हालांकि पता चल जाएगा 1/1 + sin θ, 1/1 - sin θ, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप डी में, ELP में बहुत बार पूछा गया, ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसका डायरेक्ट इसका अगर बात करो आंसर क्या हो जाएगा, 2 sec² θ। कैसे हो जाएगा, तो आप देख सकते हो सिंपल सा, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे 1 + sin θ, 1 - sin θ, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर में आप ही ध्यान से देखो 1 - sin θ हो जाएगा, और नीचे और का फिर प्लस में क्या होगा, 1 + sin θ। तो sin θ मेरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या हो गया, 2 बच गया। अब आप नीचे में जो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 + sin θ, 1 - sin θ, तो क्या हो जाएगा, 1 - sin²θ। तो मतलब 1 - sin²θ क्या होता है, cos²θ होता है,
होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ देख सकते हो वन और वन कितना हो गया, टू हो गया, और वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बस इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर वन। क्लियर है? तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए पहले से, देख के ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, द टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। ठीक है, दो रूट आपको दे दिया, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दो रूट दे दिया गया। ठीक है, दो मूल रूट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो रूट आपको हो सकता नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। एक रूट आपको x का वैल्यू 1 बाई टू है, अब x इक्वल टू माइनस 1 बाई थ्री है, तो आपको बताना है कि इस रूट का इक्वेशन क्या बन सकता है। ऑप्शन आपके सामने है तो आप लोग इसको जल्दी से बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क में क्या करोगे, ऑप्शन का हेल्प लोगे। तो यहाँ पास आपको पता है कि ये मेरा रूट है और कोई आपका इसका एक इक्वेशन होगा, तो मतलब क्या होगा, रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पास आप नॉर्मली चेक भी कर सकते हो कि कौन सा आपका जीरो बना दे रहा है इक्वेशन को, इक्वेशन को जीरो बना दे रहा मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब वही आपका होगा इक्वेशन। बात समझ रहे हो? तो सिंपल सा एक्स का जगह में हाफ आप डाल के कहीं भी चेक कर सकते हो। ये चीज़ तो हो गया स्मार्ट वर्क, मगर अगर इसको आप बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, तो ये भी सिंपल सा ये भी चीज़ सीख लो। ये कभी भी अगर आपको कोई दो रूट का मतलब कोई इक्वेशन का अगर दो रूट आपका आया है तो इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो ये जो दो रूट है तो इसको मैं अल्फा मान ले रहा हूँ और इसको मैं बीटा मान ले रहा हूँ, दो रूट को अल्फा और बीटा मान लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, मतलब दो रूट आपको दिया हुआ है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पास अब आप इसको डाल के बना लो, एक बार प्लस कर लो और एक बार इंटू कर लो, अब बस इसको बना सकते हो। तो यहाँ पास आपका क्या है, वन बाई टू है, और प्लस में क्या है, यहाँ पास आपका माइनस वन बाई थ्री है, तो मतलब माइनस वन बाई थ्री। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, छः दो बटा तीन, मतलब क्या हो जाएगा आपका एक बटा तीन आ जाएगा, एक बटा तीन आएगा ना, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो माइनस एक बटा छः, मतलब ये सॉरी माफ कीजिएगा, एक दो और तीन का क्या होगा छः, और तीन से दो जाएगा एक, यानी आपका माइनस का माइनस हो जाएगा, अभी आपका एक्स हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यानी दोनों को इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई सिक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस वन बाई सिक्स। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, छः का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, छः का अगर आप एलसीएम लोगे तो, मैं अब इसको आगे आप लोग खुद कर लेना, यहाँ पर आपको सिंपल सा मैं सिर्फ समझा दिया जिन लोगों को नहीं पता होगा। तो छः का एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब आप देख सकते हो कौन सा इक्वेशन है आपका, तो इक्वेशन आप अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था स्मार्ट तरीका से, हालांकि स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन के लिए बहुत परफेक्ट रहने वाला है, यहाँ पास आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे x का वैल्यू क्या है, वन बाई टू। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन में डालो, दूसरा इक्वेशन में डालो, तीसरा में डालो, चौथा में डालो, चेक कर लो सिंपल सा। तो देखो क्या होगा, जीरो होना है, क्योंकि अगर सेटिस्फाई करेगा तो जीरो होना है। तो टू एक्स माइनस वन, तो टू इंटू एक्स का वैल्यू में क्या होगा, वन बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो गया, मतलब वन माइनस वन हुआ ना, वन माइनस वन हुआ, तो मतलब ये जीरो बन गया। तो जीरो इंटू क्या होगा, जीरो, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यानी ये कभी इसका आंसर नहीं होगा, ना ये कभी किसी का आंसर होगा, यानी इसका आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। मगर अब दूसरा रूट क्या बोला था, माइनस वन बाई थ्री, अब इसको भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर आप ही देख लो, अगर इस वाले में यानी पहला वाले में थ्री एक्स माइनस वन, अब यहाँ पर एक्स का जगह में माइनस वन बाई थ्री पुट करके देखो तो क्या आएगा आपका, माइनस वन और माइनस वन, ये क्या हो गया, माइनस टू हुआ, यानी ये जीरो नहीं बना रहा। जब जीरो नहीं बनाया तो यहाँ भी तो कैसे जीरो बन सकता है। अब आप इस वाले में डालोगे तो यहाँ पर सबका क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन प्लस वन, क्या जीरो बना कि नहीं बना, तो मतलब इसको भी जीरो बना देगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि नहीं होगा। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते थे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ आएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपसे औसत पूछा है, पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, मतलब 15 फर्स्ट 15 आपको नेचुरल नंबर का और एवरेज पूछा है। तो सिंपल से हम लोग जानते हैं एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, तो n का जगह में मेरा क्या हो जाएगा, 15 15 एक 16, और 16 में से दो जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब 16 को दो से भाग दोगे तो 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, बताओ आंसर क्या होगा। किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है, उस संख्या क्या है? तो सिंपल सा देख के पता चल जा रहा आंसर क्या होगा, 36 और 5 कितना होगा 180, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है, क्योंकि आपको क्या बोला है किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है, मतलब कोई संख्या x हो गया, अब 40% की बात की गई है, मतलब आपका क्या हो जाएगा 2x/5, ठीक है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/5, अब ये आपका 108 के बराबर है, तो बस सॉल्व कर लो, 5x 2x जगह क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, अब 3x 108 गुना 5 यानी 3 से काटोगे क्या हो जाएगा 36, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 180, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे क्या बोला, किसी कार्यालय के कर्मचारियों का मासिक वेतन 22,000 है, अफसरों का औसत वेतन 28,000 है, और जो अफसर नहीं है उनका 13,000 प्रति महीना है। यदि अफसरों की संख्या 12 है तो अफसर तो अब जो अफसर नहीं है तो उनकी संख्या कार्यालय में कितनी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कोई आपका कार्यालय है उसमें आपका ऑफिसर लोग है, मतलब अफसर लोग है, और जो है आपका और जो लोग है वो आपका ऑफिसर नहीं है, ठीक है। अब बोल दिया जो टोटल आपका जो कर्मचारी है पूरे ऑफिस में उसका 22,000 औसत दे दिया वेतन का, अब जो उसमें से ऑफिसर लोगों का अगर औसत की बात करें तो 28,000 है, और जो लोग ऑफिसर नहीं है उसका औसत आपको 13,000 बताया गया। अब साथ में ये भी बता दिया गया कि जिसमें आपका जो ऑफिसर लोगों की संख्या 12 है तो बताओ कि जो आपका ऑफिसर नहीं है वो कितने लोग हैं। तो नॉर्मल सा आप इसको जिस तरीके से बना सकते हो बना सकते हो, बेसिक से बनाना बेसिक से बनाओ, वरना एलिगेशन का रूल भी लगा सकते हो, क्योंकि एलिगेशन एकदम फिट बैठ जाएगा इसमें। यहाँ पास एलिगेशन लगा लो जल्दी बन जाएगा, तो यहाँ पास आपको पता है एक लोग आपका ऑफिसर है और एक आपका नॉन ऑफिसर है, ठीक है, मैं नॉन ऑफिसर लिख रहा हूँ और आपसे नॉन ऑफिसर का पूछा है। तो ऑफिसर लोगों का कितना औसत बताया गया, ऑफिसर लोगों का बताया है 28,000 औसत वेतन है, और नॉन ऑफिसर का 13,000 बताया गया। अब आप लोगों का ऊपर टोटल कर्मचारी का कितना बताया, मतलब 22,000 बताया, तो बस अब लगा दो एलिगेशन। तो देखो 22,000 से 13,000 तक जाएगा तो क्या हो जाएगा 9,000 हो जाएगा, और यहाँ आपका 22 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 में से 22 जाएगा तो क्या होगा, तो बचेगा 6, यानी 6 बन गया, यानी इन लोगों का अनुपात क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब यहाँ पर देखते तो 0,0 कैंसिल कर दो, यहाँ यहाँ भी कैंसिल कर दो, 3 का पहाड़ा में 2 बार में और 3 का पहाड़ा में 3 बार में। क्लियर है, यानी ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का अनुपात मेरे पास क्या आया, 3:2 का आया, आया ना 3:2 का। अब आपको देखो क्वेश्चन में ही बोला था ऑफिसर का संख्या 12 है, मतलब जो 3 रेशियो का वैल्यू वो क्या है 12 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 4, तो उसी तरीका से 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 8, यानी नॉन ऑफिसर लोग कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो आप नॉर्मली एक्स मान लो, जो आपको ऑफिसर नहीं है उसको एक्स मान लो, क्योंकि उतने संख्या होंगे। अब क्वेश्चन में ही डायरेक्ट पुट कर लो जैसे बोला गया, तो मतलब आपका टोटल ये आपका 22,000 पूरे कर्मचारी है, तो यहाँ 22,000 का औसत है पूरे कर्मचारियों का, तो यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा, तो एक्स आपने जो आदमी माना है और जो 12 लोग है आपका ऑफिसर लोग। क्लियर है, अब ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका 12 लोगों का औसत कितना है 28,000, यानी 12 गुना 28,000 अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स लोग है जो जिसका औसत कितना है 13,000। देखो चीज़ों को समझने का डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ को समझ सकते हो, इसको सॉल्व कर लो एक्स का जो भी वैल्यू होगा आपका बन जाएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बनाओगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 0,0,0 कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं क्योंकि तीनों में कॉमन हो जाएगा 0। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना, एक्स का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ये संख्याओं का कितने गुणनखंड सम संख्या है, तो आपसे पूछा है सिंपल सा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हिंदी में बता दूँ, आपसे पूछा है कि कितने फैक्टर है, कितने इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर पूछा है आपसे, इवन सम संख्या मतलब क्या, इवन फैक्टर आपसे पूछा है, इस नंबर का इवन फैक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देता हूँ, इससे रिलेटेड आपका 3 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वरना अगर मैं इसको ही अगर सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है तो केवल 1 क्वेश्चन बनेगा। मगर मैं जानता हूं आपसे सम संख्या भी पूछा जा सकता है, फिर विषम संख्या भी पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट आपको बोलते कि टोटल कितने गुणनखंड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीज को समझ लो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछा, सम संख्या, तो सबसे पहले अगर इस संख्या का अगर आपसे पूछ लेता, ये क्वेश्चन को हटा दो, सम संख्या ना देके वहां आपसे पूछ लेता कितने गुणनखंड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछता, तो क्या हो जाता आंसर मेरा, क्या होता, ध्यान से देख लो इस चीज को याद रखना,
तो ये आपका जो भी संख्या है, अब या चाहे तो आपको ये 540 भी दे सकता था चाहता तो, मगर क्वेश्चन आपको सिंपल से करके दे दिया गया, मतलब आधा काम आपको पहले से क्वेश्चन में करके दे दिया गया। तो अगर आपको 540 देता तो आपको क्या करना था, पहले इस तरीके से आपको लिख लेना होता, ठीक है। अब आपको क्या करना था, जब टोटल फैक्टर यानी जब आपको पूरा केवल गुणनखंड निकालना होता तो आपको क्या करना है, जिसके भी पावर में जितना जितना पावर दिख रहा है, मतलब 2 के पावर में 7 है ना, तो 7 प्लस 1 इंटू 3 के पावर में कितना है 2, तो 2 प्लस 1 इंटू, फिर 5 के पावर में 3 है तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 7 के पावर में कितना 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो बस इसको गुना कर लो, यानी 8 गुना 3 गुना 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 भारतीय 36 और 36 8 कितना हो जाएगा 36 8 मेरा कितना हो जाएगा 8 6 48 288, यानी 288 इसका टोटल फैक्टर बनेगा, यानी ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, टोटल फैक्टर है। क्लियर है, यहाँ समझ गए टोटल फैक्टर कैसे निकलता है। अब आपसे क्या पूछा, सम संख्या पूछा, तो सम और विषम में, अब विषम का अगर आपसे पूछता, मतलब विषम पूछता, मतलब आपसे ऑड नंबर फैक्टर पूछता, तब आपको क्या करना है, जो सम संख्या उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब आपका जो भी आपका विषम संख्या केवल उसको ही आप उसको कंसिडर करना। तो 3 के पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 3 गुना, 5 के पावर में 3 है तो क्या हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, 7 के पावर में 2 है 3, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 36। ये क्या आया, ये मेरा आया ऑड नंबर फैक्टर, मतलब विषम संख्या का गुणनखंड है, समझ गए। अब आपको क्या बोला था, सम संख्या निकालो, तो दो तरीका से आप सम संख्या निकाल सकते हैं। अब क्या किए थे आपने, जब टोटल फैक्टर निकाला तो वो क्या था, टोटल फैक्टर 288 है, मतलब इसमें सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। अब आपको पता चल गया कि मेरा जो ऑड फैक्टर है वो 36 है, ठीक है, विषम संख्या, तो जब आपको इसमें से घटाओगे तो मेरा क्या बचेगा, सम संख्या बचेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात समझ गए, ये चीज कभी तो नहीं भूलोगे, उम्मीद करता हूँ ये चीज कभी भी मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पास अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता, अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता तो आप कैसे करते सम संख्या, तो इसको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वाला आप भूल सकते हो, डायरेक्ट अगर सम संख्या निकाले बोले ना तो आपको वैसे नहीं करना है कि अब ये सबको काट देना और इसको देख लेना, वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास अब आपको जब भी अगर सम संख्या बोले तो आपको क्या करना होता, जो सम का जो पावर में होता है, जो भी सम संख्या रहेगा उसके पावर में जो भी आपका रहेगा, मतलब 2 के पावर में अगर आपका 7 है तो ये केवल 7 ही लिखना है इसको, ठीक है, 7 ही लिखना, उसमें प्लस 1 मत करना, फिर गुना, अब बाकी सब में 1 1 आपको ऐड कर सकते हो। तो 3 का पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 3, फिर 3 का पावर में 1 जोड़ोगे 4, गुना 7 के पावर में 2 है तो 3 हो जाएगा, अब इसको गुना कर लो तो 7 तिया 21, 21 तिया कितना होता 63, और 63 गुना 4 कितना होता 4 तिया 12 और 2 52, तो इसका आंसर बताओ 52 आया कि नहीं आया, तो बताओ आपको समझ आ गया। तो बताओ कितना चीज़ आप लोगों ने सीखा, 3 चीज़ आप लोगों ने सीखा, कितने गुणनखंड होते हैं, कितने सम संख्या होते हैं, कितने इवन संख्या होते हैं, मतलब फैक्टर निकालना, क्लियर है। अब उम्मीद करता हूँ आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो सिंपल सा, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 176 में 5 जाएगा क्या होगा 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 144, यानी किसका हो जाएगा 12। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये दे दिया गया 3 से विभाजय, ये नंबर है 385x1, ये 3 से विभाजित है, तो आप मतलब विभाजय हो जाएगा 3 से, अगर ये आपका डिवाइड होगा तो x का संभावित मानों का योग क्या होगा। ध्यान से पढ़ो, केवल आपका x का वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि x का पर आप जो जो वैल्यू रख सकते हो उसका आपको सम बताना है कि क्या होगा, बात समझ रहे हो। तो हम लोगों को पता है कि भैया जो 3 से आपका जो भी नंबर डिवाइड होता है उसको क्या होना चाहिए, कि वो सभी संख्याओं का योग आपका 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, यानी 17 प्लस एक्स। तो आप बताओ 3 का पहाड़ा में 17 तो नहीं आता, 3 का पहाड़ा में 17 नहीं आता है ना, तो मतलब आपको ऐसा वैल्यू x का रखना होगा जो आपका 3 का पहाड़ा में आपका प्लस होके कट जाए। तो बताओ x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो जब 1 रखोगे तो 17 और 18 हो जाएगा, 18 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू 1 हो सकता है। अब आपका केवल 1 तो नहीं हो सकता, और भी तो हो सकता है ना, अब 1 हो सकता है तो मतलब 1 में 3 और जोड़ दो, 4 भी तो रख सकते हैं, 17 4 21 हो गया, तो 21 भी तो 3 से कटता है, तो मतलब 4 भी आपका पॉसिबल है। अब 4 के बाद और 3 इसमें जोड़ दो,
तो क्या हो जाएगा, सात, यानी सात भी आप रख सकते हो, 17 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपका सात के बाद क्या, 10 तो नहीं रख सकते हो, तो बस यानी ये तीन संख्या को आप रख सकते थे, तो आपको इसी का योग पूछा था, तो 7 4 11, 11 1 12, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो आ गया मेरा रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है, तो अब आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो, तो जल्दी से बताना इसका आंसर क्या है। यहाँ पर सबसे क्या पूछा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें, ठीक है, तो सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। चाय, गर्म दूध, दूध, कॉफी, ठंडा पेय, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, वे लोग जो दूध पीते हैं, वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म चाय पीते हैं उनका अनुपात कितना होगा। तो सिंपल सा, जो लोग दूध पीते हैं, तो देख लो दूध कितने लोग पीते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये दूध लोग कितने पीते हैं, तो 20 10 30 और 10 40 और 5 45, ये आपका 45 लोग आपका दूध पीते हैं। अब किसके साथ पूछा था, गरम, जो आपका गरम पेय पीते हैं, ठीक है, गरम पेय, तो ये गरम पेय देख सकते हो ये आपका बड़ा गोला है, तो देख लो टोटल कितने लोग हो गए, तो यहाँ देखो 30 और 10 40 और 60 90 और 110, 110 यहाँ हो गए, अंदर में इसका भी दिख रहा होगा छोटा सा, क्योंकि आपको बोला था गरम पेय पूरे, तो पूरे तो 110 और 45 कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, यानी आपको इसी का अनुपात आपसे एक पूछा था, तो सॉल्व कर लो, तो 5 का पहाड़ा में 9 बार में, 5 का पहाड़ा में 31, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 31, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ क्या पूछा आपसे, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख के पता चल रहा है, यहाँ पास आपका 8 को हटा दो, 54 में से 8 जाएगा 46 और आपका 28 और 24 कितना हो जाएगा, 52, 52 में से 46 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आंसर इसका। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कैसे पता होगा, एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना, एक छोटा सा फॉर्मूला है इसको, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है आपका एनटीपीसी का प्रीवियसर का सेट उठा कर देख लो, पक्का क्वेश्चन इस तरीके का बनता है। तो यहाँ पास आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो डायरेक्ट पुट कर देना, और आपका कभी कभी 3 टाइप से भी क्वेश्चन दे देता है। यहाँ पास आपको क्या क्या था, 2 चीज़ था, एक आपका दूध था, एक चाय था, कभी कभी कुछ और भी आपका एक चीज़ रहता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा, तो जैसा भी रहे आप इसको देख लो फॉर्मूला को डायरेक्ट। तो यहाँ पास आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पास लिख देता हूँ, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पास पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तब समझाता हूँ। तो एन हो जाएगा, ये आपका दूध है, क्या क्या है, ये आपका दूध है और यहाँ चाय है, तो मैं फॉर्मूला के तौर पर लिखता हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू एन नंबर ऑफ ए प्लस एन, ये आपका ए और बी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला है, आपका क्या क्या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पास आपका जो लोग जितने टोटल लोग हैं जो दूध पीते हैं और चाय पीते हैं उन लोगों की संख्या है, और ये एन ए क्या मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए समझ लो, एन ए मतलब आपका कोई दूध है और चाय है, ठीक है, और ये एन ए मतलब क्या, जो दूध पीते हो या फिर चाय पीते हो, टोटल लोग आपका दूध पीने वालों का है या आपका चाय पीने वाला का है, बात समझ गए। अब माइनस आपका होता किससे, जो आपका दोनों लोग पीते हैं, मतलब दोनों में आपका कॉमन होता है, दोनों आपका जो पियेंगे वो उनका संख्या दर्शाता है। अब यहाँ पास इसका मतलब, ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन मतलब आप समझिए ऑल, ठीक है, ऑल, क्योंकि दोनों हैं चाय और दूध, ध्यान से समझना, और ये इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब आप इतना केवल समझिए, कॉमन, कॉमन मतलब क्या कि जो चाय भी पी रहे हैं और जो दूध भी पी रहे हैं, समझ गए। तो बस ये फॉर्मूला आपको केवल पुट करना था। अब क्वेश्चन देखो, अब आपका 54 छात्र बात किया गया था, 54 छात्र बोले थे, अब क्वेश्चन बोला था 24 लोग दूध पीते हैं, 28 लोग आपका चाय पीते हैं, अब देखो क्या बोला था, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 8 छात्र जब कुछ भी नहीं पीते तो फिर रह के फायदा क्या है, तो मैंने क्या किया, 54 में से 8 छात्र को पहले ही हटा दिया, समझ गए, तो मतलब आपका कितने हो गए, टोटल आपके 46 छात्र बचे, तो यानी ये दोनों का मिला के कितने, 46, तो ये हो गया 46 इक्वल टू, अब आपका देख लो कितने थे, 24, अब आपको समझ आया मैंने क्या किया था, 28, और माइनस ये कॉमन वाले लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं, तो एक्स मान लो थोड़ा देर के लिए अपने समझने के लिए, तो 24 28 कितना हो गया, 52, अब ये एक्स वहाँ आ जाएगा, ये 46 वहाँ आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका, आया ना 6,
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि तीन चीज आपको दिया जाता है, ठीक है? तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, कोई क्वेश्चन में लेके आऊंगा उसको आपको उसमें दिखा दूंगा, ठीक है? और ये याद रखिए, अगर ये चीज आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हो। मैंने आपको सिंपल सा वेन डायग्राम में भी क्वेश्चन आपको समझाया है, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस ईयर का मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम से भी बताया है। मगर अगर वेन डायग्राम अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इसको इस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हो। ये चीज आपको सिर्फ समझने का देरी है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अभी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या बोला गया? तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, एक घड़ी एक घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है तो अब घड़ी शाम के 6:30 बजे दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा? तो बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल है ना। एक घंटे में 5 मिनट का तेजी चल रही है, तो ये चीज़ तो आपको समझ आ रहा है कि भैया एक घंटा जब बजता है तो घड़ी 5 मिनट तेज चलता है, मतलब 60 मिनट में 65 मिनट का वो आपको दिखाता है, मतलब एक घंटे में 5 मिनट तेज चल रहा है। अब बोल रहा है कि 12 बजे अगर घड़ी को हम सेट कर देते हैं, तो ये मेरा घड़ी हो गया 12 बजे, हम लोगों ने इसको सेट कर दिया, मतलब माफ़ कीजिएगा ये दोनों मिनट और ये दोनों जगह को ना, तो ये आपका 12 बजे जब आपने सेट कर दिया, तब आपसे बोल रहा है कि अगर शाम में घड़ी 6:30 बजे दिखा रहा है, मतलब शाम में घड़ी का जो समय है वो 6:30 बजे दिखा रहा है, तो बताओ उसका वास्तविक समय कितना होगा? तो सिंपल सा इसको मुंह से भी भर बली आप कर सकते हो, एक घंटा में 5 मिनट बढ़ रहा है, एक घंटा में 5 मिनट बढ़ रहा है। अब ऑप्शन देखो 5 बज रहे हैं लास्ट का, ठीक है? 5 बज गए, इसमें 5 बजे, 5 बजे और 6 बजे हैं। तो देखो 12 बजे से लेकर शाम का 5 बजे, 12 बजे से लेकर शाम का 5 बजे टोटल कितने घंटे हो रहे हैं? टोटल आपका कितने हो रहे हैं? 5 घंटे हो रहे हैं ना, 5 घंटे हो रहे कि नहीं? तो 5 जब आपका बजेंगे वास्तविक में तो 5 घंटे में 5-5 मिनट बढ़ेगा भी, तो ये क्या हो जाएगा 5:25, मतलब 5 बजे आपको समय बताएगा 5:25, जब वास्तविक में 5 बजेंगे तो 25 मिनट बताएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में तो आपका है नहीं, और अब आपको क्या होगा, इसका मतलब आपको घड़ी में भी क्या बोला था 6:30 बजना चाहिए, यानी एक घंटा और बढ़ा लो, यानी जब आपका शाम का जब 6 बजेगा, जब वास्तविक में सही का 6 बजेगा तब घड़ी में क्या दिखाएगा, तो 6 घंटा का अनुसार से 5-5 मिनट बढ़ रहा तो क्या होगा 30, यानी 6:30 मिनट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन में भी है, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जब शाम का 6 बजेगा वास्तविक में तभी जाके 30 मिनट ज़्यादा दिखाएगा, तो क्या बजेगा 6:30 बजे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ट्राई करो बताओ आंसर क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पास आप सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पर 5 आपको लेटर दिख रहा है, यहाँ 4 लेटर दिख रहा है, तो इसका मतलब भैया कि आपका जो भी लेटर का कोड है वो आपका एक तरीका से लिखा गया है, यानी आप देख सकते हो एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, अब भी कितने नंबर पे होता है, तो एस टी यू भी 22 नंबर पे। अब आपको पैटर्न समझ आ ही गया होगा, ये 16 यानी 3-3 करके बढ़ रहा है, ए का फिर देख सकते हो ए का डी एल का ओ ओ, मतलब 3-3 करके बढ़ रहा है, सीधा सीधा बात है, तो यूज का कितना होगा 8, 8 3 11 जे, यानी इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? खत्म यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, क्या बोला है, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को युगल का चयन करें, वर्णमाला शब्दकोश, ठीक है, वर्णमाला शब्दकोश, तो क्या है मतलब समझ आ रहा, वर्णमाला कहाँ मिलता है, शब्दकोश में, मतलब डिक्शनरी में मिलता है, यानी यहाँ पर देखो क्या है, कीबोर्ड सीपीयू कभी नहीं, समाचार साझेदारी कभी नहीं, लेखक प्रश्न कभी नहीं, अधिकार संविधान, जो कि सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो बताओ इसका आंसर क्या है, चिन्हों को सही सेट का चयन करें, तो आपको सेट करना है ये सब जगह में, आपको सेट करना इस तरीका पे, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सेट करोगे तो आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पास मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे ध्यान से वीडियो देखते हो तो पता है, डिवाइड का हेल्प लो बहुत जल्दी पता चलेगा। यहाँ देखो ऑप्शन को देखोगे तो गुना 34 गुना 16 माइनस 4 कभी होगा, नहीं कभी होगा, काट दो। यहाँ क्या है देखो, डिवाइड कहाँ पास है, 4 भाग डिवाइड, मतलब लास्ट में डिवाइड है, 4/12, बताओ कभी होगा, 1/3 कभी आंसर आएगा, 26 नहीं आएगा, फ्रैक्शन में घुस जाएगा नंबर। अब आप थर्ड देखोगे तो डिवाइड किस जगह पे लगा है, इस जगह पे लगा है, अब देख सकते हो 16 को 4 से डिवाइड दे भी सकते हो, यानी ये पैटर्न सही है, लग सकता है, तो यहाँ पर देखो 16 को 4 से करोगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 34 है, अब ये भी देखो यहाँ पास भी डिवाइड है, यहाँ पास भी डिवाइड है, 34 और 4 कितना हो गया 38, अब बताओ 38 में अब 12 जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अब 12 को घटाओगे तो आपका 26 हो जाएगा, यानी इसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको बताओ आंसर क्या होगा, लेटर सीरीज है, तो यहाँ पास आप देख सकते हो जेड वाई एक्स एस आर क्यू एल के जे, आपको समझ आ रहा है क्या पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न समझ आ जाएगा आपको,
यहाँ पास अब अगर किसी को भी पकड़ोगे तो पता चल जाएगा ये जेड है, एस हुआ, एल हुआ। जेड 26 नंबर पे, एस आपका कितने नंबर पे होता है? एक ठो भी पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा। जेड 26 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। 26 से 19 हो गया मतलब -7 हो गया, फिर -7 हो गया, यानी आगे भी क्या होगा -7 होगा, यानी क्या होगा आपका ई होगा, मतलब 5 होगा ना, तो 5 पे कौन लेटर होता है? ई होता है। ये ऑप्शन कट इट। अब आप देख सकते हो ED यहाँ भी है, यानी केवल आपको लास्ट में पता करना। तो एक्स वाई जेड आर क्यू एस, समझ आ रहा है आपको? पैटर्न समझ आ रहा होगा, यानी सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा CDE, ऑप्शन नंबर 4th। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो आपको पता होगा ये आपका फिगर है, आपको बताना है कि कौन सा फिगर आपका इसमें आपका है, ठीक है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका फिगर का अंतर्निहित है, मतलब इसके अंदर छिपी हुई है। तो यहाँ पास आपको सिंपल सा ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन का हेल्प लोगे तो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में इस तरीके का फिगर है नहीं, ना ये है ना ये है। तो इसका आंसर डायरेक्ट दिख रहा है एक तरफा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा गया, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो आपसे सिंपल सा वर्ग पूछा है, मतलब स्क्वायर पूछा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, चार वर्ग सिंपल सिंपल छोटे छोटे बन गए। अब मिला के कितना बनेगा? एक ही बनेगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 5, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, इसको आप ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा है, सेलेक्ट द नंबर पेयर डज नॉट बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप। तो यानी मतलब कौन सा आपका एक समूह से अलग है? तो यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वन और वन मतलब वन का क्यूब वन बोल सकते हैं, चार का क्यूब 64 होता है, आठ का क्यूब 512 होता है, मगर नौ का क्यूब क्या होता है? 719 नहीं होता है, 729 होता है, जो कि मेरे को विषम बना रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, चार विकल्प दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह का समान है अब जबकि एक अलग है, तो फिर से ऑड वन है, तो देखो क्या हो रहा है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखो 8, 2, 46, 5, 4, 8, 2, यहाँ देख रहे हो 10, यहाँ देखो 10, यहाँ देखे 10, यहाँ देखो 9। समझ आया क्या पैटर्न है? समझ आ गया ना? ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो, और ये आपका TCS का लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? मज़ेदार क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना, ठीक है? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तक रखी हुई है, तीन पुस्तक बी सी और ई हरी जिल्द वाली है जबकि बाकी पुस्तकों की जिल्द पीली है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? क्या बोला है कि जो तीन पुस्तक है बी सी और ई हरी जिल्द वाली है, और बाकी जो आपका जो पुस्तक है उसकी जो कवर है, मतलब जो बुक की कवर है, वो उसकी जिल्द पीली है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस टाइप से क्वेश्चन आपका दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पास मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया ताकि आपको पता चले कि आइडिया मिले कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिले तो हो सकता है प्रेशर में आ जाओ, ठीक है? इसलिए मैं मुझे जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो न्यू टाइप के आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग कभी भी प्रेशर में ना हो अगर एग्जाम में अगर आप उस टाइप का क्वेश्चन देखते हो तो। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चन आपको देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पास क्या बोला, बी सी और ई हरी जिल्द वाली है, बाकी पुस्तक जिल्द पीली है। तो चलो यहाँ पास मैं लिखते चलता हूँ, बी सी और ई ये जो बुक है उसकी कवर क्या है आपका बोला जा रहा है, हरी जिल्द वाली, मतलब ग्रीन कवर है। ध्यान से देखो आगे क्या बोला जा रहा है, ए डी और बी नई पुस्तक है जबकि बाकी पुस्तकें पुरानी है। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, क्या बोला, ए डी और बी वो सब जो है वो आपका नया पुस्तक है, बाकी पुस्तक पुराना है। यहाँ पास अब आपका देख सकते हो बी सी ई, अब यहाँ पास कौन दो नए पुस्तक आ रहे हैं, ए आ रहे हैं और डी आ रहे हैं, यही दो पुस्तक आ रहे हैं ना। ध्यान से देखो अब आपका क्या बोला, अब पहले वाले में आ जाओ, क्या बोला था, जो बी सी और ई हरी जिल्द वाली है बाकी पुस्तकें पीली जिल्द वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और जो डी बुक है वो कौन सा जिल्द वाली होगी, येल्लो जिल्द वाली होगी, इतना कन्फर्म हो गया। अब दूसरा वाला क्या पॉइंट क्या बोला था, ए डी और बी वो है जो नया पुस्तक है, बाकी जो पुस्तक है वो पुराना है। अब ध्यान से देखो, मतलब जो ए और जो डी है वो कौन सा है, नया पुस्तक है, बाकी सब पुराना है, तो मतलब ये सब जो पुस्तक है वो क्या होंगे, न्यू मॉडल के होंगे, बात समझो। और साथ में आपका बी भी जो पुस्तक है वो आपका न्यू मॉडल के बुक है, तो मतलब इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ पास अपना समझने के लिए न्यू लिख लेता हूँ, समझ रहे हो?
क्योंकि ये आपका जो पुस्तक है वो आपका न्यू है, या फिर आप इसको यहाँ नहीं भी समझते हो तो यहाँ पास मैं बी नहीं लिखूंगा क्योंकि आपका फिर येल्लो रंग के हो जाएंगे। चलो इसको आप लोग समझना, जो मेरा बी पुस्तक है वो आपका न्यू मॉडल की किताब है, और जो बाकी जो किताब हुए वो क्या हुए, वो आपका ओल्ड हुए। तो मतलब जो ग्रीन के साथ है वो आपका ओल्ड हो गए, मतलब कौन कौन बुक ओल्ड हुए, सी और ई हुए ना, और जो बी का रंग है वो ग्रीन है। इस चीज़ को ध्यान देना, मैं आगे उस सारा चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ। आगे क्या बोला आपका, ए सी और बी कानूनी रिपोर्ट है। अब जो बोला ए और सी और बी वो आपका कानूनी रिपोर्ट की किताब है, मतलब समझ लो कुछ कि कानूनी रिपोर्ट है। तो यहाँ पास आपका ए और सी और जो बी है वो क्या है, कानूनी रिपोर्ट है। तो यहाँ थोड़ा देर के लिए अपना समझने के लिए जो भी लिखना लिख लो यार, कानूनी, ठीक है, कानूनी रिपोर्ट की किताब है, कानूनी रिपोर्ट है, जबकि बाकी गेजेटियर्स है, ठीक है। अब जो बचा हुआ जो आपका किताब है वो आपका गेजेटियर्स है, इतना समझ रहे हो, मतलब ए सी बी, यानी अब आपका जो बचा हुआ किताब कौन है, डी और ई, वो क्या होंगे, गेजेटियर्स होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख सकते हो या फिर दिमाग में भी होल्ड कर सकते हो। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक हरे जिल्द वाली है, पुरानी है और कानूनी रिपोर्ट है, ठीक है। हरे जिल्द वाली के साथ पुरानी होनी चाहिए और कानूनी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हरे जिल्द वाली की बात की गई है, तो यहाँ पर देखते तो हरे जिल्द वाली कौन सी किताब थी, सी और ई थी, ठीक है, और साथ में बी भी थी आपका हरे जिल्द वाली, ये तीनों बुक थी ना हरे जिल्द वाली। अब पुरानी की बात की गई है, जब पुरानी की बात की गई तो मेरा बी किताब क्या था, वो नया था, मतलब ये भी आपका खत्म हो गया, यानी सी और ई मेरा पुराना भी है और हरा जिल्द भी है। आगे क्या बोला, कानूनी रिपोर्ट भी होना चाहिए, तो कानूनी रिपोर्ट में आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा था, ए सी और बी, ये कानूनी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर कॉमन कौन दिख रहा, केवल सी दिख रहा क्योंकि ई आपका नहीं है। तो अब बताओ कौन सा इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि सी जो किताब है वो आपका हरी जिल्द भी है, पुरानी भी है, कानूनी रिपोर्ट भी है। तो बस इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इस पे बेस आपका दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको कौन येल्लो किताब है, कौन कितने येल्लो और आपका पुरानी किताब है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बस मेरा ये था कि आपको पैटर्न दिखाने का मतलब था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी जल्दी हम लोग यहां पास। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया, वेन आरे का क्वेश्चन है, समकोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो सिंपल सा, समकोण, अधिक कोण, तीनों अलग अलग कोण है, तो बस इसका क्या होगा, वेन आरे, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से हम लोग यहाँ पास। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी जल्दी से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, 497387 से संबंधित है, तो उसी तरीके से 685 किससे संबंधित होगा। तो पैटर्न आपको देख के समझना होगा, 497 किससे संबंधित है, 387 से, तो आपको बताना 685 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर पैटर्न देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा, 4 से 3 हो गया, 9 से 8 हो गया और 7 का 7 आ गया। यानी इस तरीके से अगर 6 का 5 हो जाएगा तो 8 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 575, जो कि मेरे ऑप्शन में भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अब आ गया मेरा जीके का क्वेश्चन। तो आप लोगों का समय अब देता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग जीके का भी क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके रिसेंट के एग्जाम का जो भी क्वेश्चन बने थे, जो TCS पैटर्न पे आपका पूछा गया था, वो सारा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। साइंस के भी क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पास देखो, जीके का क्वेश्चन और जीएस का क्वेश्चन जो भी रहे, या साइंस का क्वेश्चन रहे, समय लगना नहीं चाहिए, ये चीज़ मैं पहले ही बोलते आया हूँ। जो समय लगेगा आपका रीजनिंग और मैथ में लगेगा, क्योंकि ये आपका ऐसा सेक्शन है जहाँ पास आपको आता है तो उसी समय बनेगा, मतलब 5 से 10 सेकंड में बनेगा, नहीं आता है मतलब नहीं आता है। जो साइंस का न्यूमेरिकल अगर मिल जाते हो तो उसमें समय लगेगा, बाद बाकी कहीं समय नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर सबसे क्या पता था, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो किस पहाड़ में स्थित है, पश्चिम बंगाल, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। चलिए आप लोग जल्दी मिलाते जाइएगा, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, चौरा चोरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि चौरा चोरी कांड जो हुआ था वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपका 1922 में हुआ था, जो भी हत्याकांड है उसका आपका वर्ष पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ इसका आंसर, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु हुई थी वो भारत के बाहर हुई थी। क्लियर है। अब आपको यहाँ पास मुझे ये ऑप्शन दिखा मोरारजी देसाई, इसको देख के मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन बनते हैं कि आपका एक ऐसा भारतीय कौन है जो आपका भारत का सर्वोच्च पुरस्कार उसको मिला और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, मतलब जो निशाने पाकिस्तान वो आपका जो सर्वोच्च आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पाकिस्तान का, और जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो केवल एक ही व्यक्ति को मिला है, जो कौन है, मोरारजी देसाई। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो यानी आप सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि सोर इन टेस्ट, ठीक है, खट्टा मतलब सोर, सोर इन टेस्ट आपका कौन से आपके होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्षारकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा हम लोगों को पता है सोर इन टेस्ट किसका होता है, एसिड का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन, अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या है आपका, मोमेंटम, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी। तो सभी का सही आंसर होगा, मुझे पता है, क्योंकि सभी को पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा, डैश इज अ एम्फोट्रिक इन नेचर। ठीक है, तो आपको नेचर बताना है किसका आपका एम्फोट्रिक इन नेचर होता है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए एम्फोट्रिक मतलब क्या, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज आपके पाए जाते हैं। तो इसके यहाँ पर देख सकते हो, ZnO, N2O, CO, SO2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम लोगों को पता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से एम्फोट्रिक में आपका एग्जाम्पल ये भी रहता है Al2O3, ये भी बहुत ज़्यादातर रहता है, ये रहता है लिड का भी रहता है कुछ भी। तो यहाँ पास ये दो ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे, तो Al2O3 भी आपका एम्फोट्रिक नेचर का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको बताओ आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, फिर यहाँ पर देखते तो इंडिया, घूमर, भांगड़ा, गिद्दा। तो बताओ आंसर क्या होगा, तो राजस्थान का पूछा है, हम लोगों को पता है घूमर वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पास मैंने जो भी जीके क्वेश्चन लिया सब कैटेगरी से मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिया, ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया पता चले कि क्वेश्चन किस तरीका से है। ठीक है, ये किसी का भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं है, मैंने खुद से अपने से तैयार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आपका कप भी है। तो ये किसका है, हॉकी का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये क्या पूछा आपसे, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। मतलब आपसे पूछा है कि चार्ज, ठीक है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, आपको केवल ये बताना है। तो यहाँ पर वोल्ट है, कूलम्ब है, केल्विन है, किलोग्राम है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कूलम होता है। क्लियर है, क्योंकि मेरा वोल्ट पावर का होता है, केल्विन टेम्परेचर का होता है, किलोग्राम वेट का होता है। क्लियर है, मास का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी जल्दी से आंसर बता सकते हो। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। मतलब जो बॉक्साइट का होता है ना, बॉक्साइट ओर, ठीक है, बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक आपका कौन से राज्य में है। तो ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ आपका पाया जाता है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्लियर है। और ये जो झारखंड, तो ये आपका राज्य में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा आपसे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो बताओ कौन सा ये आपका ईयर में स्टार्ट किया गया था। और इस तरीका का भी क्वेश्चन आपका बनता है, कोई सा भी आपका इनिशिएटिव होता है आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आपका डेट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1999 में स्टार्ट किया गया था। और अभी आपका रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए थे उसमें ज़्यादातर आपका जो 2014-13 में जो भी आपका इनिशिएटिव चालू किए गए थे PM मोदी द्वारा, उस तरीके का भी आपका पूछे गए थे। ठीक है, देख लीजिएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा आपसे, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड अपॉन, ठीक है, गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी होता है एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, द्रव्यमान और त्वरण पे, क्लियर है। और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, एम जी एच, ये सब होता है। फॉर्मूला याद रखें क्योंकि फॉर्मूला भी पूछा जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या है। करंट से क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम दैट वॉज अनवेल्ड एट हिज रामेश्वरम मेमोरियल बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी डिपिक्स हिम प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल सा, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम का जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया, उनके इसमें से उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका ईएलपी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीना। तो ये आपका वीना को दिखाया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या पूछा आपसे, भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है, ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो ये आपका दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर वन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस बाई अ स्ट्रेच रबर बैंड, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ। ये तो होगा नहीं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सब तो होगा ही नहीं, यहाँ पास क्या होगा, थर्मल एनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला थर्ड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने डैश को लोकप्रिय बनाया, तो बताओ, ये भी आंसर सभी का सही होने चाहिए। तो सितार, सरोद, तबला, सहनाई, तो हम लोगों को पता है कि वो सहनाई बजाते थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या पूछा आपसे, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक के ऑथर कौन थे, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसको एपीजे अब्दुल कलाम से आपका कंफ्यूज मत करना, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का भी किताब एक बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में कि उनका कौन सा एक किताब है, तो उनका किताब एक है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, ये भी किताब उनका बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के लिखी हुई किताब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है, चक्रवात, लुप्त प्राय प्रजातियां, नभिकीय रिएक्टर्स और आपका भूकंप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पता होना चाहिए। जो रेड बुक आपका जो रिपोर्ट रखती है वो किसका रखती है, लुप्त प्राय प्रजातियां का, क्लियर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, क्योंकि उसमें आपका जो भी जो जानवर आपका जो अभी लुप्त हो चुके हैं, जो पहले से जैसे डायनासोर ओनासोर जो फिर इतने सारे जो प्राणी होते हैं आपका जीव जंतु होते हैं वो बहुत आपका लुप्त हो भी गए हैं और बहुत सारे ऐसे तदार पर पहुंच भी गए हैं, तो वो सारा डाटा किस में मेंटेन होता है, लाल डेटा बुक में मेंटेन होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े पहले भी पूछे जाते हैं, मतलब पहले का भी पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरीका के होते हैं, जैसे कि आपके सामने है 2016 में, ये आपका ग्रुप डी का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, सोच लो ग्रुप डी का क्वेश्चन 2016 का आया था, तो 19 में भी आ सकता है। तो 2016 के ओलंपिक खेलों में पुरुष की 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड प्रतिस्थापित किसने जीती थी, प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, उसेन बोल्ट, जेसी डे ग्रोस, जस्टिन ग्रेटलिन और विलियम ब्लैक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोगों को पता है उसेन बोल्ट आपका रिकॉर्ड बना चुके हैं, बहुत बार बनाए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन,
चलिए अब हालांकि उन्होंने रिटायर भी ले लिया, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा है, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में डैज भाषाएं शामिल है, मतलब आपका 8 शेड्यूल में कितने भाषाएं शामिल है ये आपको बताना है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसको तो पहले काटोगे, 100 भाषाएं कभी ऐड नहीं हुई है, तो 22, 25, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका पता होना चाहिए 22 भाषा को ऐड की गई थी 8वीं अनुसूची में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरा आज का सेशन खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके ताकि मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मेरे आपका द्वारा आपका सेट किए रहेंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं वो सारा क्वेश्चन को दिखाऊंगा ताकि आप उसी तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे कर सकें, ठीक है। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसा लगा आपको आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद है, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।